आज हम ऑर्डर वन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑर्डर वन, रूल वन, टू, थ्री, थ्री ए, नाइन, थर्टीन, टेन, ये बड़े इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं. ओके, नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन कि ऑर्डर वन है क्या, एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी. प्रॉपर पार्टी मतलब वो होती है, अब प्रॉपर पार्टी मीन्स क्या, मैं किसी रैंडम इंसान के अगेंस्ट तो सूट फाइल कर नहीं दूंगी, मुझे रेलेवेंट इंसान के अगेंस्ट ही सूट फाइल करना पड़ेगा, राइट? वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. मान लीजिए कि मुझे रास्ते में चल रही थी, मुझे एक गाड़ी वाले ने मार दिया, दो गाड़ी वालों ने मार दिया. आई हैव अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम दीज टू मैन, दीज टू पीपल, राइट? तो मैं इन दोनों के अगेंस्ट या तो अलग अलग सूट फाइल कर सकती हूँ, या तो दोनों को एक ही सूट में सू कर सकती हूँ, बिकॉज द राइट टू रिलीफ अगेंस्ट दीज टू इज कॉमन. माय राइट टू आस्क फॉर रिलीफ, है ना, मुझे कॉम्पनसेशन दोनों से ही चाहिए. तो रूल वन जो है ऑर्डर वन का, वो ये बोलता है कि कौन सी पार्टीज को प्लेंटिफ की तरह ज्वाइन किया जा सकता है. ऑर्डर थ्री बोलता है कौन से पार्टीज को या कौन से लोगों को एज डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है. और रूल टू ये बोलता है कि अगर वन और थ्री पूरे हो भी रहे हैं ना, पर फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सेपरेट ट्रायल करने चाहिए, तो वो भी अलाउ किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में. थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी? प्रॉपर पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है केस में. ओके, प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट. नेसेसरी पार्टी क्या होती है? जिसकी प्रेजेंस इंडिस्पेंसिबल हो, जिसके बिना सूट कॉम्प्रिहेंसिवली डिसाइड ही ना हो पाए. ठीक है, अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ऐड नहीं किया तुमने, तो जब डिग्री अगर मान लो फेवर में भी आ गई और अल्टीमेटली डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो ये बंदा जो नेसेसरी पार्टी है वो इस एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की पूरी केपेबिलिटी रखता है. ओके, प्रॉपर इंटरेस्ट में जॉइंट इंटरेस्ट नहीं होता, नेसेसरी पार्टी में जॉइंट इंटरेस्ट होता है. अब मान लो कि अगर आप भाई बहन हो, एक पूरी प्रॉपर्टी में आपका आधा आधा हिस्सा है, ठीक है, और अगर मुझे और अगर आपको सू करना है किसी को, किसी थर्ड पर्सन को जिसने लेट्स से आपको डिस्पोजेस करके रखा, तो आप दोनों ही मिलके ना सूट फाइल करोगे. अगर आप दोनों ने सूट फाइल नहीं किया, मान लो एक ने कर दिया और डिक्री फेवर में आ गई, तो ये तो पंगे करेगा ही. कल की डेट में हो सकता है ये एक्स और ये लेट से ए मिल जाए और बोले कि ठीक है बी तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर दूंगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम परफॉर्मर डिफेंडेंट बनाते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी वी मेक द पार्टी एज अ डिफेंडेंट, वी मेक दैट प्लेंटिफ अ डिफेंडेंट, just so that he does not obstruct the execution of the decree. ठीक है, now proper party की अगर हम एक और example देखें, तो मान लो landlord और tenant है, ये landlord है, ये tenant है और एक sub tenant है. landlord की permission से ही sub tenant रखा गया है. अब मान लो अगर eviction का suit file करना है और सिर्फ tenant ही against किया, तो इसका right तो violate हो गया. He is not given a chance to say his side of the story. तो इस केस में he is a necessary party. और कल की डेट में अगर मान लो landlord ने tenant के against suit file किया eviction का और decree भी ले ली, तो ये decree challenge कर सकता है ये necessary party. क्यों? क्योंकि he was not involved in the suit. Okay? तो proper party या necessary party क्या है? जो सूट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी एब्सेंस में कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन सूट का नहीं पास हो सकता. अब कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये प्रॉपर पार्टी है कि ये नेसेसरी पार्टी है? तुम देखोगे कि अगर मान लो ए है, ए को बी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, ठीक है, और
ए को सी के अगेंस्ट भी सूट फाइल करना है। तो मान लो ए और बी के बीच में 1, 2, 3, 4 चार इश्यूज आए और वही चार इश्यूज एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4 इन दोनों में भी आ रहे हैं, तो क्या है ये दो केसेस के इश्यूज क्या ओवरलैप कर रहे हैं कंप्लीटली? यस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो एक्सीडेंट वाला, कि अगर मुझे कॉम्पनसेशन लेना है तो मुझे दोनों से इक्वल रिलीफ चाहिए, तो मैं दोनों से दोनों को डिफेंडेंट बना सकती हूँ, ठीक है, मैं इम्प्लीट कर सकती हूँ पार्टीज एज पार्टीज दोनों को। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन दोनों को इंडिविजुअली सू करूंगी तो एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट निकल के आएगा, और इसी को थोड़ी सी फॉर्मल भाषा में, जो मैं अभी आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, इन सब को फॉर्मलाइज किया है रूल 1 में और रूल 3 में। रूल 1 क्या बोलता है? कौन कौन ज्वाइन हो सकते हैं प्लेंटिफ? वो सारे लोग प्लेंटिफ की तरह ज्वाइन किए जा सकते हैं, और फॉर दैट मैटर डिफेंडेंट की तरह भी, जिनके अगेंस्ट राइट टू रिलीफ है। राइट टू रिलीफ मीन्स वॉट? कह रहे जिसके अगेंस्ट सेम राइट टू रिलीफ है, दैट मीन्स वॉट? कॉज ऑफ एक्शन। ओके, या तो इट इज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जैसे क्या, वो गाना है ना, मैं रस्ते पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मैं नॉर्मली चल रहा था, रस्ते पे चल रहा था, दो गाड़ी ने मुझे ठोक दिया। नाउ दिस कॉज ऑफ एक्शन, ये जो भी राइट है, वो अराइज किससे हुआ है? आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो उस केस में अब समझना, उन्होंने लिखा है, अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट रखा हो, वेदर जॉइंटली सेवरली और इन ऑल्टरनेटिव। इसका क्या मतलब है कि या तो मैं जॉइंटली दोनों को सू करूं, जिन दोनों लोगों ने मेरे को गाड़ी से मारा, मैं उनके अगेंस्ट दोनों कॉम्पनसेशन उन दोनों को जॉइंट डिफेंडेंट कर दूं, या तो मैं उनके अगेंस्ट अलग अलग भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि भले ही कॉज ऑफ एक्शन सेम है, भले ही ट्रांजैक्शन सेम है, बट मैं उन दोनों के अगेंस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि राइट टू रिलीफ अलग अलग इंसान से आ रहा है। हो सकता है कि मैं एक से कॉम्पनसेशन मांगूं और एक से उसको प्यूनिटिव मेजर्स दिलवाने की कोशिश करूं, राइट? या फिर हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ हो। ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या है कि मान लो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसमें बाप के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी अदरवाइज आती वाइफ को और उसके बेटे को, बट पूरी प्रॉपर्टी थी भाई के हाथ में। अब डब्लू और एस का अलग अलग राइट है, वैसे टेक्निकली क्या है, 1/2 1/2 मिलेगा, है ना, पर बी कंटेंट कर रहा है कि अरे ये तो सन अडॉप्टेड सन है ही नहीं। मान लो अडॉप्टेड सन था तो बोल रहा है नहीं, अडॉप्टेड सन है ही नहीं, इसका कोई राइट ही नहीं है। ओके, ये तो कोई ऐसी रैंडम पर्सन है। अब वाइफ को कोई लेना देना नहीं है इससे, वाइफ और सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि ठीक है भाई, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि मैं अडॉप्टेड सन नहीं हूं, तो वाइफ तुम पूरी प्रॉपर्टी रख लेना, क्योंकि एनी विच वे वाइफ और सन फर्स्ट क्लास एयर है, तो इनको पूरी पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना, मतलब इक्वली डिवाइड होगी। फिर आता है भाई, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, या तो इसको पूरी दे दो या तो आधी आधी बांट लो। तो इन दोनों का राइट क्या है? इन ऑल्टरनेटिव है, या तो इसको पूरा मिल जाएगा या तो आधा आधा बट जाएगा। तो इवन दीज पीपल हु क्लेम राइट ऑल्टरनेटिवली कैन ऑल्सो बी ज्वाइंट इन अ सूट एज प्लेंटिफ। ये दोनों मिलके भी अपना सूट फाइल कर सकते हैं ब्रदर के अगेंस्ट कि भाई वो प्रॉपर्टी दो। ओके, तो आपको एक अगर एक चीज देखनी है कि ये प्रॉपर पार्टी होगी कि नेसेसरी पार्टी होगी, तो आपको ये देखना है कि क्या उस बंदे के पास जो नेसेसरी पार्टी है, उसके पास लीगल कैपेसिटी है डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोकने की। आप देखो कि कितने ओवरलैपिंग इश्यूज हो रहे हैं। अगर ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है और सी भी बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, तो इस वाले केस में ए ने जब बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और उस वाले केस में जब सी ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, तो कितनी ओवरलैपिंग है? अगर कुछ इश्यूज ओवरलैप हो रहे हैं तो दैट मींस इट्स अ प्रॉपर पार्टी। अगर पूरे ही इश्यूज ओवरलैप हो रहे हैं, अगर मान लो यही सर्कल होता, देन इट वुड हैव बीन अ नेसेसरी पार्टी।
ओके, सो दिस इज वन थिंग. तो नेसेसरी पार्टी के लिए हमें क्या तीन चीजें याद रखनी है? तीन चीजें जो हमें याद रखनी है, पहली कि जिसके बिना कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन डिसाइड नहीं होगा कोर्ट का. दूसरा, जो लीगल कैपेसिटी रखता है ऑब्स्ट्रक्ट करने की प्रोसीडिंग. और तीसरा कि कितने इश्यूज ओवरलैप हो रहे हैं. अगर पूरे हो रहे हैं, ऑल इश्यूज आर ओवरलैपिंग, इट इज अ नेसेसरी पार्टी. इफ सम आर ओवरलैपिंग, इट्स अ प्रॉपर पार्टी. ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर आई गेस. इसमें आप चाहें तो और इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं बुक को रेफर करके. नाउ ऑर्डर वन रूल वन और ऑर्डर 1 रूल 3. ऑर्डर 1 रूल 1 प्लेंटिफ की बात करता है, सेम चीज डिफेंडेंट की बात रूल 3 करता है. ओके, पर रूल 2 बोलता है और रूल 3A सेम है. बोलता है कि कोर्ट चाहे तो अपनी पावर में सेपरेट ट्रायल्स भी बोल सकती है, भले ही रूल 1 और रूल 3 सेटिस्फाई हो रहे, बट कोर्ट को लग रहा है कि सेपरेट ट्रायल्स होने चाहिए तो हो जाएगा. पर एक बात याद रखना, रूल 2 में ना एक वर्ड यूज किया गया है, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू इलेक्शन. ये वाली जो लाइन है ना, ये कहाँ से आई? देखना, प्लेंटिफ को ना डोमिनस लिटिस बोलते हैं. डोमिनस लिटिस मतलब मास्टर ऑफ हिज ओन सूट. तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे ए के अगेंस्ट सूट फाइल करना है कि बी के अगेंस्ट. अब मेरे ऊपर है ना, अगर मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए तो हो सकता है कि मैं एक आदमी के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन मांगू, दूसरे के अगेंस्ट नहीं मांगू. वो पहला वाला डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम उसके अगेंस्ट क्यों नहीं मांग रहे. अरे भाई, तुम अपना कर्म भुगतो ना, तुमने जो मुझे गाड़ी से ठोकर मारी तुम उसका कॉम्पनसेशन दो. हाउ डज इट मैटर कि वो होगा जॉइन की नहीं? ओके, तो टेक्निकली प्लेंटिफ के पास हमेशा राइट होता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको किसके अगेंस्ट सूट फाइल करना है. बट कोर्ट चाहे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना, प्लेंटिफ को फोर्स कर सकती है कि ये देखो, ये दूसरे प्लेंटिफ भी है, दूसरा डिफेंडेंट भी है जिसके अगेंस्ट सेम राइट है, और इससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग कम होगी, तो तुम इसके अगेंस्ट भी कर लो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई. अच्छा, अब जैसे नेसेसरी पार्टी के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं. नेसेसरी पार्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है. ओके, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हो गए, या ट्रस्ट का बेनिफिशियरीज हो गए, या जॉइंट फैमिली में को पार्टनर्स हो गए, है ना, ये सारे आपके नेसेसरी पार्टीज कहलाते हैं. ओके, नाउ दिस इज ये दिस वी डिस्कस्ड. अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि रूल 1 और रूल 2 में क्या रिलेशन है. रूल 1 इज सिमिलर टू रूल 3, रूल 2 इज सिमिलर टू 3A. द ओनली डिफरेंस बिटवीन रूल 2 एंड रूल 3 इज 3A इज यहाँ पे प्लेंटिफ को चॉइस दी गई है कि उसके इलेक्शन पे रखा जाएगा कि ज्वाइन करने हैं कि नहीं, मतलब सेपरेट ट्रायल करना है कि नहीं. ओके, और रूल 3A क्या बोलता है, डिफेंडेंट के लिए. और डिफेंडेंट को कोई चॉइस नहीं दी गई है. डिफेंडेंट को क्यों चॉइस नहीं दी गई है? क्योंकि अगर हम डिफेंडेंट को चॉइस देने लग गए कि साहब आपके लिए सेपरेट ट्रायल चलेगा ना, इट्स ओके ना अगर हम सेपरेट ट्रायल करें, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमें सेपरेट ट्रायल करना है, हम कर सकते हैं, या अदरवाइज, है ना, उल्टा भी बोल सकता है कोर्ट. तो डिफेंडेंट तो हमेशा चाहेगा कि सेपरेट ट्रायल हो, है ना, क्यों? क्योंकि केस बढ़ता जाएगा. तो उस केस में ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, राइट. सो रूल ऑर्डर 1 रूल 3 में वर्ड यूज किया गया है जो अगेंस्ट सच पर्सन, वो डिफेंडेंट की बात कर रहा है, और रूल 1 में सच पर्सन मतलब प्लेंटिफ की बात कर रहा है. ठीक है, नाउ तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी जरूरी है. एक है जॉइंडर, एक है नॉन जॉइंडर, और एक है मिस जॉइंडर, है ना. हमने पढ़ा नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, बट मान लो नेसेसरी प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया, उसको मिसिंग है, वो ए और बी को ज्वाइन करना था पर सिर्फ एक को ही ज्वाइन किया एज प्लेंटिफ, फिर क्या होगा? ठीक है, मिस जॉइंडर मतलब ए को करना था ज्वाइन पर कर दिया सी को, गलत बंदे को ऐड कर दिया, फिर क्या होगा? ओके, एंड जॉइंटर मतलब जनरली उसको एक पार्टी बनाना. देन देर इज समथिंग कॉल्ड
ऑर्डर ऑफ इम्प्लीडमेंट, ऑर्डर ऑफ इम्प्लीडमेंट, और ये चीज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रूल 10 में, है ना। इम्प्लीडमेंट मतलब क्या होता है, पार्टी को ऐड करना। ओके, तो मान लो अगर ए ने सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है और बी को एज अ पार्टी ऐड करना जरूरी है, तो प्लेंटिफ को लगता है कि नहीं, बी को भी पार्टी होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही कॉम्प्रेहेंसिव सूट डिसाइड होगा, तो ए एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में कि बी को भी आप इम्प्लीड करो, ऐड करो एज अ पार्टी। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि ऐड नहीं किया तो करवा लेंगे, कोई बात नहीं। पर अगर मान लो गलत पार्टी को ऐड कर दिया तो, ठीक है। मिस जॉइंटर मतलब क्या, मिस जॉइंटर का लिटरल मीनिंग क्या है, मिस जॉइंटर का मतलब ये है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जॉइन कर दिया है डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑर्डर वन रूल वन या ऑर्डर वन रूल थ्री हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। तो रेमेडी क्या है, अगर गलत पार्टी को ज्वाइन कर दिया है तो फिर उसकी रेमेडी क्या है, आई एम आस्किंग। द आंसर इज, सॉरी, ये द आंसर इज ऑर्डर वन रूल टेन क्लॉज टू। उस पार्टी को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, बोला जा सकता है इसको हटाओ, इसका कोई सेंस नहीं। यस, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर। अब देखो, अब तो बोलोगे मैम अगर इतना ही है तो फिर नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी में डिफरेंस क्या है, क्यों इसको इतना ऐसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है नेसेसरी पार्टी को। इसीलिए दिया जाता है कि रूल 9 जो है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, वो बोलता है कि रूल 9 जो है ना, वो बोलता है कि जस्ट बिकॉज कोई गलत पार्टी ऐड हो गई है, मतलब देयर इज अ मिस जॉइंडर, या फिर जस्ट बिकॉज एक पार्टी ऐड नहीं हुई है, दैट मींस देयर इज अ नॉन जॉइंडर, इसका मतलब ये नहीं कि वो नलिटी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, डिग्री सेट असाइड नहीं होगी। ठीक है, सिवाय तब जब नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर नेसेसरी पार्टी का होगा। कुछ याद आ रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट में? इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आप 167 पढ़ो या सीपीसी में आपने सेक्शन 99, 21A, है ना, ये सारे सेक्शंस पढ़े, वो क्या बोलता है कि देखो यार, जब तक मेरिट ऑफ द केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है कि मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर हुआ, है ना, आप सेट असाइड मत कराओ डिग्री, क्योंकि मेरिट्स ऑफ द केस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अदरवाइज भी जजमेंट सेम आती। बट नेसेसरी पार्टी का क्यों अलग से लिखा, क्योंकि यहां पर जो लॉ है वो प्रिज्यूम करता है कि अगर नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया है, दैट मींस जस्टिस इज डीम्ड टू बी डिनाइड, है ना। लॉ मानती है कि नेसेसरी पार्टीज तो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनका इतना हक होता है कि वो एग्जीक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, और अगर उन्हीं को आपने ऐड नहीं किया, उन्हीं को नहीं सुना, तो भाई ये तो जस्टिस की डिफीट है। ओके, सो देयरफॉर रूल 9 एक्सप्लिसिटली सेज दैट नो, जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो। इम्प्लीडमेंट ऑर्डर हमेशा ऑर्डर 1 रूल 10 में होता है, है ना। कोर्ट चाहे तो अपने आप ही या एप्लीकेशन पे नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन करने का आदेश दे सकता है। सो दिस इज वन थिंग। अब रूल 13 क्या बोलता है, रूल 9 तो हमने अभी डिस्कस किया, रूल 13 क्या बोलता है, सेम चीज बोलता है। हमने तो बोला कि ऑब्जेक्शन रेज नहीं, ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं होगा जब तक कि नेसेसरी पार्टी का मिस जॉइंटर ना हो। अब रूल 13 बोलता है कब, रूल 9 बोलता है क्या, और रूल 13 बोलता है कब, कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन रेज करना भी है नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर का, तो तुम ये कब करोगे। ऑब्वियस सी बात है, एट द अर्लीस्ट, ये बेसिक सेंस है, एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और एक लाइन बोल दी गई है, एट और बिफोर सच सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, क्या होता है, हमने स्टेजेस देखी ना, सबसे पहले प्लेंट फाइल होता है, प्लेंट फाइल होता है, प्रॉपर ऑब्जेक्शंस के लिए 7 दिन दिए जाते हैं, फिर 7 दिन देने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो जाता है प्लेंट, है ना। कैसे इंस्टीट्यूट होता है, ऑर्डर 4 के अकॉर्डिंग
दो कॉपीज लगती हैं, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, कहाँ प्रॉपर ऑफिस में प्लेन इंस्टीट्यूट हो जाता है। अब अगर आप सेक्शन 3 पढ़ोगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट, तो वो क्या बोलता है, प्लेंट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन इट इज इंस्टीट्यूटेड इन अ प्रॉपर ऑफिस। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तो प्लेंट ही चल रहा है, फिर उन्होंने देखा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्लेंट सही है, रिजेक्ट विजेक्ट करने का भी सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब वो क्या भेजेंगे, समन्स भेजेंगे, किसको, डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को 30 दिन दिया जाएगा, विच इज एक्सटेंडेबल टू 60 मोर डेज, मतलब टोटल 90 डेज टू सबमिट WS, है ना। फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग होगी। फर्स्ट हियरिंग में या तो क्या कहते हैं, एडमिशन्स और डिनाइल्स देखे जाएंगे, ऑर्डर 10 की स्टेज आएगी, है ना, या तो ADR के लिए भेज दिया जाएगा। ये सब करते कराते जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात आती है, मतलब अब इश्यूज सेटल हो रहे हैं, इश्यूज बन रहे हैं, तो उस स्टेज के पहले पहले ये बोलते हैं कि ये अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दो तो, कि प्रॉपर पार्टी ऐड नहीं हुई। क्यों भाई, क्योंकि फिर तो यार अप्रिसिएशन वाली स्टेज आ जाएगी, फिर तो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो जस्ट सो दैट यू डोंट स्लीप ओवर योर राइट, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड दैट यू कैन नॉट डू इट फॉर एवर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद ये रेस किया तो बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि नेसेसरी पार्टी का होना एनी डे डिले होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, है ना। तो इवन इफ इट इज़ रेज्ड एट अ मच लेटर स्टेज, इट शैल स्टिल बी अलाउड। वाई, बिकॉज नेसेसरी पार्टी का सवाल है, ओके। और अगर मान लो कि सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद रेस किया, ओके, बट कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कोर्ट ने बोला नहीं हम तो भाई रूल 13 को बहुत ही स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे, फिर जो पार्टी है वो एपलेट कोर्ट में जाके इसको सेट असाइड करवा सकती है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीडमेंट, दिस एंड दैट, तो रूल 10 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रूल 10 क्या बोलता है कि अगर मान लो ऑर्डर 1 रूल 1 या फिर ऑर्डर 1 रूल 3 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, फिर भी एक पार्टी को ऐड करके रखा है, फिर क्या करोगे, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है या तो सुओ मोटो या तो एप्लीकेशन पे उस पार्टी को हटा सके, ठीक है। ये रूल 10 पूरा बोलता है। अब रूल 10 में दो पार्ट है, हमेशा याद रखना, दिस इज क्लॉज 1, दिस इज क्लॉज 2, then we have clause 3 also, 4 also and 5 also, okay। one क्या बोलता है, जो clause 1 है that is talking about what, description, कि मान लो अगर party का description गलत है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम आस्था है तो आस्था डॉटर ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश, या फिर अगर मेरी कोई जुडिशरी क्लासेस है तो उसका नाम, राइट। तो जब भी आप किसी सूट को देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है एक्स सन ऑफ दिस रेसिडेंट ऑफ, जब आप अपना सिविल जजमेंट लिखोगे तो भी आप ऐसे लिखोगे। तो अगर इस डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत है ना, तो आप क्लॉज 1 में उसको स्ट्राइक डाउन या ऑल्टर करवा सकते हो, ठीक है। जो वर्ड यूज किया गया उसमें क्या लिखा गया है, सब्स्टिट्यूटेड और एडेड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक फिट। और क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज 2 ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग की बात करता है, स्ट्राइक ऑफ करने की, कि अगर गलती से कोई पार्टी गलत तरीके से ऐड हो गई है तो उसको हम या तो उसका हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी ने सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है, बी को हटाना है, तो बी को कहाँ हटाया जा सकता है, ऑर्डर 2 में। क्यों, क्योंकि पूरी पार्टी को एज इट इज हटाया जा रहा है। बट मान लीजिए अगर कोई डिस्क्रिप्शन इसका हटाना होता तो ऑर्डर 1 की बात, सॉरी क्लॉज 1 की बात होती, एंड क्लॉज 1 इज ओनली टॉकिंग अबाउट प्लेंटिफ, वेयर एज क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट बोथ द पार्टीज, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। मान लो ए और सी बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे थे, जॉइंट ओनर्स थे, नेसेसरी पार्टी थी, सी ने बोला नहीं मैंने, मुझे नहीं करना, बड़ा टाइम वेस्ट है भाई, मैं कोर्ट के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तो ए ने बोला ठीक है, फिर परफॉर्मर डिफेंडेंट बन जा, तो सी को ट्रांसपोर्ट कर दिया, कहाँ से, प्लेंटिव से डिफेंडेंट में, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन अंडर
रूल 10, ठीक है। थर्ड ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी, हमने पढ़ा है ऑर्डर 32 पढ़ोगे आप सीपीसी में, कि अगर प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो हमें पता है लॉ प्रोटेक्ट्स दोज़ हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो उसके बिहाफ पे नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करेगा। अगर डिफेंडेंट है तो गार्डियन डिफेंड करेगा। तो वो यही बोल रहा है कि उनको भी इम्प्लीट किया जा सकता है, उनको भी ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करोगे? हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ एडिशन या सब्सट्रैक्ट हो रही है या स्ट्राइक ऑफ हो रही है, वो हमेशा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के थ्रू ही होगी। इस रूल के अंडर दिया गया, बट रियल एडिशन या चेंजेस कहाँ होंगे, थ्रू व्हाट होंगे? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है। रूल 4 यही बोलता है, और रूल 5 भी लिमिटेशन की बात करता है, बहुत देख लीजिएगा, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। सो दिस वॉज रूल ऑर्डर 1 फॉर यू, ठीक है। 13 बहुत इम्पॉर्टेंट है, रूल 9, 13 जो अभी हमने रूल नंबर डिस्कस किए, वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इन सभी को सेक्शन 99 के साथ और इन सारे प्रोविजंस के साथ भी देख लीजिए, और सेक्शन 21 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट ऑल्सो।